और भी नमकीन हो गई हो समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो अरे लगा है प्यार का वो रंग अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो समुंदर हेलो व्यूअर्स, आज है 25th मार्च एंड टाइम हुआ है 3:24 एंड आज हम जा रहे हैं JW मैरियट एंड वो कार है, दूसरी कार है जैसा कि आप देख सकते हो, वो मेरे डैड की कार है एंड वो ड्राइव कर रहे हैं उधर। The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues. हेलो व्यूअर्स, सो फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं एंड मैंने अपना बैग रख दिया पहले। सो पहले मैं रूम देख रहा था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट एंड ये रहा मेरा सुपर ब्यूटीफुल रूम। ये सब ये बटन्स वगैरह जैसे लगे हुए हैं ऑटोमेटेड एंड देन ये फ्लावर्स एंड ये सब है। देन उसके बाद ये मेरा लैपटॉप मैंने पहले सेटअप कर लिया था। उसके बाद ये स्टडी लैंप है एंड ये ऐसे चल रहा है और ये हमारी की कार्ड है। फिर उसके बाद JW का ये मैरियट का दिया गया स्टोर, ये सब जो सर्विसेज जो दे रहा है होटल हम अपने को, तो इसमें अपने को प्रोवाइड हो रहा है बुफे, लंच, डिनर, सैफ्रॉन एक जगह है यहाँ पे खाने की एंड देन स्पा है, जिमनेजियम है, देन सर्विसेज और कॉम्प्लीमेंट्री हाई स्पीड इंटरनेट है इन्हांस्ड और ये सब कुछ है। फिर उसके बाद का मैनुअल वगैरह कुछ है, वेलकम एंड ऑल ये सब, इंटरनेट एक्सेस, देन एनवायरमेंटल एफर्ट्स और काफ़ी कुछ है गाइस इस रूम में।
एंड ये एसी ऑटोमेटिक, देन उसके बाद ये खाने का है सिस्टम, और ये मोबाइल दूसरा पड़ा है। एंड टाइम अभी हो गया है, टाइम राइट टाइम अभी हुआ है 4:36। एंड ये सब सामान दिया हुआ है गाइस। इसमें यहाँ पे आपको कैश नट्स मिल रहे हैं, देन आलमंड्स मिल रहे हैं, उसके बाद ये थोड़ा मिक्स है ये, देन ऑर्बिट है और काफ़ी कुछ चीज़ें। एंड देन गाइस नीचे यहाँ पे ये आपको मिल रहा है एक रेफ्रिजरेटर टाइप है, ये सब कुछ अंदर मिल रहा है आपको। देन ये अगर ओपन करते हैं हम तो इसमें आपका रिबन है, रोब वगैरह, ये प्रेस वगैरह जैसे, देन ये स्लीपर्स, और ये रिबन रोब जो होता है। सो अभी मैं रूम में हूँ एंड ये भी दिखा देता हूँ, ये भी एक स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे ये अपने को सेफ मिल रहा है। एंड उसके बाद ये नेसेसिटी और ये सब कार्ड है जैसे। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूम है। एंड उसके बाद ये जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको HDMI मिलता है यहाँ पे, विद DVD और ये सब, और ये TV। देन यहाँ पे वाईफाई का LAN का है स्विच, देन उसके बाद यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो कुछ भी, जैसे USB हो गया, USB to TV, और काफ़ी कुछ है, HDMI TV। देन आप ऑडियो केबल कनेक्ट कर सकते हो ऑक्स वगैरह कंप्यूटर के साथ भी। और जो लास्ट चीज़ जो है रूम में बहुत अच्छी, वो ये है कि अगर आप सपोज सो रहे हो तो आपको ये बंद करना है, तो ये आपने प्रेस करके रखना है एंड देन ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे बस प्रेस करके रखना है एंड देन ये बंद हो जाएगा। खोलना है तो कुछ नहीं, दबा के रखना है एंड खोलते ही ये अपने आप खुल जाएगा। सो आप देख सकते हो। देन उसके बाद ये जो ये इससे ये होता है ये ग्रेश, देन इस वाले से ये खुलता है। एंड देन बार का व्यू भी बहुत सुंदर है, ये नीचे कार्स खड़ी हैं सारी, BMW और क्लासिक कार्स खड़ी हैं। एंड देन ये मार्केट है 35 सेक्टर की, और साथ में ये रिमोट दिया है आपको ये, और यहाँ पे फीडबैक फॉर्म या कुछ भी अगर आपने नोट्स वगैरह लिखने हैं, देन कॉलिंग के लिए, और ये JBL का गाइस स्पीकर है। बेसिकली ये स्पीकर कम और स्नूज और जैसे आप कह लो अलार्म क्लॉक ज़्यादा है। देन उसके बाद वॉशरूम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी रूम मैंने बंद किया है एंड मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। सो गाइस रूम बंद कर दिया है एंड की मेरे पास है ये कार्ड में, एंड सेकेंडली अब मैं जा रहा हूँ पूल साइड, बिकॉज काफ़ी टाइम से मन करा था कि ये स्विमिंग पूल जाना है। एंड लेट्स गो, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। सो मेरी लेफ्ट एंड ऊपर का प्रेस कर दिया मैंने, सो लेट्स जस्ट हेड टूवर्ड्स इट। एंड द व्यू देयर, जो स्विमिंग पूल का व्यू है बहुत सुंदर है। सो यहाँ पे पी दबाना है, और ये अभी चलेगा नहीं बिकॉज मेरा कार्ड लगाना है, ये कार्ड लगाया एंड सॉरी उस साइड लगाना है एंड पी दबा दिया। सो अब लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स पूल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड ये आपको पूल साइड में आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ पे ये नीचे चेंजिंग रूम है, देन यहाँ पे इस साइड शॉवर है, बट वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्टली लेट्स चेक आउट द व्यू विच इज़ लवली। चेंजिंग रूम नीचे जो जा रही है आपको दिख रही होगी वहाँ पे नीचे, एंड देन यहाँ फ्लावर्स, ये स्मॉल पूल, दिस इज़ फॉर बेबीज, एंड देन दिस इज शॉवर एंड द मेन पार्ट इज कमिंग नाउ। दिस सुपर, एज यू कैन सी गाइस दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, स्मॉल इन्फिनिटी पूल, जो मेन इन्फिनिटी पूल है दैट्स इन सिंगापुर, उसका व्लॉग भी आपको दिखाऊंगा, वो सबसे पहला व्लॉग मैंने शूट किया था। सो ही इज़ माई ब्रदर, हेलो। सो गाइस फाइनली, और ये मेरा यू नो हेयर स्टाइल, मैंने हेयर कट करवाया था, हेयर स्टाइलिंग करवा ली थी। एंड सेकेंडली ये जो पूल है ये बहुत सुंदर है, इन्फिनिटी पूल, एंड इट्स ब्यूटिफुल एज यू कैन सी।
सो गाइस सॉरी मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को ठंड लग रही है एंड अभी मैं हूँ स्विमिंग पूल में एंड वही स्विमिंग पूल है जिसको मैं कह रहा था इन्फिनिटी पूल एंड मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए हैं जो भी मैंने स्टाइलिंग कराई थी सो अभी शिट यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को एंड ये स्विमिंग पूल आप देख सकते हो कितना सुंदर पूल है कितना सुंदर व्यू है